सेंट ड्यूज कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को सेंट ड्यूज कॉलेज में पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सेंट ड्यूज कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिवर्ष 23 नवंबर से 30 नवंबर तक कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कॉलेज के छात्रों द्वारा अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 40 अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि भारत में जल संकट के टॉपिक पर पोस्टर पेंटिंग बनाया गया। इस प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय और तृतीय होंगे, उनको 30 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा, तथा इसके अलावा खेलकूद सहित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि कल्चरल के साथ साथ एकेडमिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर पी डी सुभाष एवं प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने कहा, श्रीवास्तव भौतिकी विभाग सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर। ये कार्यक्रम हमारे कॉलेज में जो हर वर्ष जो है 23 से 30 नवंबर के बीच में कॉलेज स्थापना समारोह जो है मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है कॉलेज के छात्रों द्वारा के बीच में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित करी जाती हैं, जिसके अंतर्गत आज जो है 25 नवंबर के दिन पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कॉलेज के अलग अलग कक्षाओं के बच्चों ने भाग लिया है। इसमें उनको उसी क्षण जो है टॉपिक बताया गया है कि आपका टॉपिक है भारत में जल संकट, इसमें उनको पोस्टर बनाना है। उनके पास एक घंटे का समय है। इसके लिए हमारे पास जजेस के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर नीति गुप्ता और प्रोफेसर निशा जायसवाल, ये दोनों लोग जजेस हैं हमारे, वो लोग इसको जज करेंगी। और इसके बाद से जो भी यहाँ पे आज के जो तीन विजय प्रतिभागी होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनको जो 30 तारीख को जो समापन समारोह होगा उस दिन उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा जो है एकल अभिनय, सोलो सिंगिंग, एसे राइटिंग, ऑनलाइन क्विज, ये सब प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और स्थापना समारोह के समापन के दिन जो है जो एकेडमिक में जिन्होंने अच्छा किया है, मतलब जिन्होंने जो है स्पोर्ट्स में अच्छा किया, जिन्होंने अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उन सभी बच्चों को जो है भी पुरस्कृत किया जाता है। इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, मतलब कल्चर के साथ साथ एकेडमिक प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जा रही हैं। इस पर डॉक्टर पी डी सुभाष, ये हर साल मनाए जाने वाले कॉलेज का स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत ये दूसरा प्रतियोगिता है, जिसमें पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता चल रही है। करीब करीब 40 प्रतिभागी इसमें हैं।
डेढ़ घंटे का समय दिया जाएगा और इसी पर बच्चे पोस्टर पेंटिंग कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम होना है? हाँ, पहला था ऑनलाइन क्विज कंपटीशन था, दूसरा आज हो रहा है कि पोस्टर पेंटिंग, इसके साथ निबंध प्रतियोगिता होंगे, इसके बाद एकल अभिनय होना है और इसके बाद एकल गायन का प्रतियोगिता होंगे और इसके बाद 30 तारीख को समापन समारोह होंगे। प्राइज वितरण? हाँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगे।